अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने अपना आइट्स स्कोर अचीव किया और मेनली किस इंस्टीट्यूट से वो अचीव किया। तो वो जो इंस्टीट्यूट था उसका नाम था TBLI, सर अयाज असलम के साथ। और मैंने एक्चुअली इस इनके साथ ज्वाइन करने से पहले मैंने जो लास्ट मेरा टेस्ट था प्रीवियस, उसमें मैंने ओवरऑल 6.5 अचीव किए थे बैंड्स, और मेरा जो राइटिंग मॉड्यूल था उसमें 6 अचीव किए थे। और सर के पास आने का मकसद ये था कि मैं अपने बैंड्स को इम्प्रूव कर सकूं, स्पेशली इन राइटिंग। और सर की मैंने एक्चुअली एक फ्री वर्कशॉप थी, दैट वाज अराउंड अबाउट 2 डेज। तो उसमें सर ने एक्चुअली बताया कि आप आइट्स को कैसे आपको डील करना चाहिए, आप कैसे इसको लेके चलेंगे, आपके लिए क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं। तो उस वर्कशॉप का जो है ना मेरे पे मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव थी, और उसी से मैंने गाइडलाइन लेके, और मैं इम्प्रेस भी था कि यहाँ पे एक ऐसी ये ऐसा एक इंस्टीट्यूट है या ऐसे टीचर हैं जिनसे मैं अपने रिक्वायर्ड बैंड जो है वो ले सकता हूँ। तो सर के पास मैंने फिर प्रॉपर ज्वाइन किया अपना, राउंड अबाउट 2 to 3 months का मेरा ओवरऑल सेशन था। इस ओवरऑल सेशन में जो सारी चीज़ें थी जितनी थी वो सारी मैकेनाइज्ड वे में थी, लाइक प्रॉपर एक हमें पता होता था, मुझे भी दूसरे जितने भी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे उन सबको एक फॉर्मेट सेंड कर दिया जाता था जिसमें उनको पता होता था कि आपकी आज की क्लास किस पे होगी, और आप टुमारो और या डे आफ्टर टुमारो आप किस चीज़ को परसू करेंगे ना। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके माइंड में एक पूरी प्लानिंग सेट हो जाती है कि आज आप क्या कर रहे हैं और सेकंड डे क्या करेंगे और थर्ड डे क्या करेंगे। जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड थी ना, तो उसका एक बड़ा फ़ायदा ओवरऑल इस जर्नी में हुआ कि हमें ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन थी कि हम क्या क्या करने आगे जा रहे हैं। और सर के साथ फिर मैंने प्रॉपर सेशन स्टार्ट किया, और लिखने का जो ऑनलाइन था वो मैं सर को अपने एसेस जो लिख के वो चेक करवाता था। स्टार्टिंग में मेरे बैंड्स जो 6 आते थे, कभी 5.5 तक भी आ जाते थे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये इम्प्रूवमेंट की तरफ आना शुरू हुआ। और मेरा टेस्ट देने से पहले जो मैंने लास्ट 2 से 3 एसेस सर को जो लिख के चेक करवाए थे उसमें राउंड अबाउट मुझे 7 मिल रहे थे ना, और एक ऐसे में मुझे इवन सर ने 7.5 भी मार्क किया था। तो आई वॉज टू कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह मैं अपने रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अब अचीव कर लूँगा। और वैसा ही हुआ कि पेपर में फिर जब मैंने अपने आप को अपेयर किया, और इवन मेरी एक छोटी सी मिस्टेक भी थी, छोटी कह लें उसको, बहुत बड़ी भी कहा जा सकता है, कि मैंने टाइम मैनेज नहीं हो सका, वो मैंने गलत शीट पर एक आंसर लिख दिया, फिर मैंने उसको ट्रांसफ़र किया, फिर दोबारा मैं उसको राइट शीट पर लिखने में मुझे जिस टास्क के लिए टास्क 2 के लिए 40 मिनट्स चाहिए थे वो मैंने राउंड अबाउट मेरे पास 20 to 25 रह गए, और उसमें मैंने अपना सारा जो है वो ऐसे लिखा और मेरे रिक्वायर्ड बैंड्स आ गए। और वो इसी वजह से आए कि मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस की हुई थी सर अयाज असलम के पास, और एक प्रैक्टिस और सेशन लेता रहा था जिसकी वजह से मुझे मैंने कम टाइम में भी अपना रिक्वायर्ड बैंड। तो इसको मैं मेनली फोकस करूंगा कि कैसे मैंने 6 बैंड से 7 पे जंप किया। तो जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी कि मैंने अपनी जो आइट्स की जो ट्रेनिंग थी उसमें जो सबसे मेनली फोकस इस चीज़ पे किया कि आप प्लान कैसे करते हैं अपने ऐसे को। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमें 40 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं टास्क 2 के लिए और 20 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं टास्क 1 के लिए। तो टास्क 1 तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो हैंडल कर लेते हैं अराउंड अबाउट कोई 20 मिनट्स में। उसमें भी आपको सबसे पहली चीज़ है कि आप उसको प्लान करें, आप लाइक 3 से 4 मिनट या इवन 5 मिनट भी आप उसके ऊपर प्लान करते हैं और देन उसको आप राइट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। और टास्क 2 पे जब आते हैं तो टास्क 2 में भी यही चीज़ है, आपके पास जब 40 मिनट्स आपको रिक्वायर्ड है आपने उसकी डिवीजन करनी है। डिवीजन आपने यूँ करनी है कि जो 5 मिनट हैं उसको आपने 5 मिनट जस्ट अपने एसे को प्लान करना है, जिसमें आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने उसके पॉइंट्स लिख लेने हैं, मतलब कि आप इसमें करने क्या जा रहे हैं, राइट।
उसके बाद आपने 30 मिनट्स लगाने हैं या इवन 25 मिनट्स भी आपके पास बचते हैं तो आप उसको सारे ऐसे को लिखेंगे जो आपने प्लानिंग की. देन 5 मिनट्स आपके पास फिर एट द एंड बचने चाहिए जिसमें आपने रिव्यू करना है अपने पूरे ऐसे को, टास्क 1 को भी और टास्क 2 को भी, जिसमें आप देखेंगे कोई माइनर एरर्स जो अनइंटेंशनली आप लिखते हुए कर देते हैं बाज़ुकात. मतलब आप वैसे वो एरर आपकी ग्रामर में होता नहीं है या आप जो इंटेंशनली ऐसा एरर नहीं कर सकते, जो आप री रीडिंग के रिव्यू के साथ उन चीज़ों को ओमिट कर सकते हैं. और जहाँ तक रही मेरी बात, मतलब मैंने किन किन चीज़ों पे फोकस किया, उनमें जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले मेरा जो ज़्यादा फोकस होता था वो प्लानिंग पे होता था. उसके बाद जो प्लान मैं एक प्रॉपर लेआउट जो है ना, मैं उसको फॉलो करता था. लाइक आपने एक इंट्रोडक्शन लिखना है, वो बहुत एक स्पेसिफिक टाइप का इंट्रोडक्शन हो जिसमें आपने अपने से कोई व्यू ऐसे, मतलब ऊट पटांग कोई ऐसी बात नहीं करनी, आपने अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट आपने पूरा वो इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसमें आपके इंटरव्यू रफली जो 30 से 35 वर्ड्स का अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो बहुत एक अच्छा समझा जाता है, जिसमें आप प्लेजरिज्म भी नहीं होगा, कोई ऐसी मतलब गैर जरूरी वर्ड्स भी नहीं आपने लिखे हुए. उसके बाद आपका आ जाता है बॉडी पैराग्राफ्स. बॉडी पैराग्राफ्स में भी आपके पास एक प्रॉपर लेआउट हो जिसको आप लेके चलते रहें. आपके पास लाइक कोलोकेशंस होने चाहिए कि आपने कौन से कोलोकेशंस इस्तेमाल करने हैं, और दूसरे नंबर पे आपके पास वोकैबुलरी ऐसी हो. और वोकैबुलरी का मेन मकसद ये नहीं है कि आपने उसको अपने अनकॉमन या बड़े कोई डिफिकल्ट वर्ड से इम्प्रेस करना है, बिल्कुल नहीं. आपने क्या करना है, उस ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना है जो आइट्स के दूसरे स्टूडेंट्स नहीं यूज़ कर रहे. लाइक अगर 100 स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं तो उनमें से आपके वर्ड्स वो वाले होने चाहिए जो राउंड अबाउट की 5 या 6 यूज कर रहे हैं. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अनकॉमन वर्ड्स. लाइक आपने इस पे फोकस करना है. उसके बाद आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो वेरी करना चाहिए. मतलब आपका जिसको वो कहता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, इस चीज पे फोकस करना है. इस चीज पे आप ऐसे फोकस कर सकते हैं कि आपके पास एक ही जो मेथड ना हो किसी सेंटेंस को लिखने का. लाइक नॉर्मली आप इधर देख लें साउथ एशियन कंट्रीज में या एशिया में ओवरऑल, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही जो मेथड को फॉलो करते हैं सेंटेंस लिखने का, वो क्या जी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. आपने इससे हट के काम करना है. इससे हट के काम करने का मकसद यही है कि आपके पास कोई जो सेंटेंस एक्सप्रेशंस हैं वो राउंड अबाउट कोई 5 से 10 किस्म के हों. लाइक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा जिसमें आप देखें आपके पूरे ऐसे में आपने मिनिमम 2 से 3 आपने कंपाउंड सेंटेंस इस्तेमाल करने हैं, और साथ ही साथ आपके 2 जो सेंटेंसेस हैं वो कम्प्लेक्स भी होने चाहिए. अब कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का आपको कुछ अंदाज़ा होगा, कुछ मैं आपको बता देता हूँ. कंपाउंड जिसमें वो सेंटेंसेस है जिसमें हम फैन वॉइस के साथ एज अ कंजंक्शन यूज करके हम एक सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं, एंड बट और नॉर सो येट. और कंप्लेक्स सेंटेंसेस जिसमें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाते हैं. लाइक आप वो कंजंक्शंस जो हैं दरमियान में भी लगा सकते हैं, आप वो कंजंक्शंस सेंटेंस के स्टार्ट में भी लगा सकते हैं. इससे ये होगा कि आपके ऐसे में वेरिएशन आना शुरू हो जाएगी, और जब वेरिएशन आएगी तो आपका चेकर आपकी ऐसे से, आपकी राइटअप से, आपकी राइटिंग से इम्प्रेस होगा. और तीसरे नंबर पर जो चीज़ मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा वो है पंक्चुएशन. पंक्चुएशन इज समथिंग लाइक एन इम्पेरेटिव पार्ट ऑफ फाइट्स. आप यूँ समझ लें कि अगर आप 6 से 7 पे जंप करना चाहते हैं, जैसे कि मेरा केस था जब मैंने 6 बैंड्स अचीव किए, तो मुझे पंक्चुएशन की थोड़ी बहुत, मतलब मुझे उसकी हाव नाव थी, उसका मुझे अंदाज़ा था, लेकिन जिसे कहते हैं कंप्लीट कमांड नहीं थी मुझे पंक्चुएशन पे. कोमा कैसे लगाना है, सेमी कोलन कैसे लगाना है, कोलन कैसे यूज़ करना है, डैशेस कैसे लगाने हैं, इन चीज़ों का मुझे कुछ भी नहीं पता था. लेकिन इसके बाद जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ये चीज़ें, इन चीज़ों पे फोकस किया, इस चीज़ पे जैसे पंक्चुएशन पे प्रॉपर इसका ख्याल रखा और पूरे ऐसे में कम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए, और एक मैंने पूरे ऐसे में जो है क्वेश्चन सेंटेंस का भी इस्तेमाल किया, और पंक्चुएशन का फ़ायदा ये हुआ कि मेरा
मुझे लगता है कि जो 6 या 6.5 या 7 तक जो बैंड्स मैंने अचीव किए हैं 7 तक, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से थे कि मतलब पंक्चुएशन आपकी ठीक होगी तो तब आप अपने आप को गारंटी कर सकते हैं कि आप 7 का फिगर अचीव कर सकते हैं। विदाउट पंक्चुएशन आप इस फिगर को अचीव करना बहुत मुश्किल है। अब मैं थोड़ा सा इसी अपनी बातों को रिव्यू करना चाहूँगा। आपने 3 से 4 पॉइंट्स को फोकस करना है। सबसे पहला पॉइंट है आपका जो है टास्क अचीवमेंट। दूसरा, आप टास्क अचीवमेंट में आपको मैंने बता दिया कि आपने कैसे प्लानिंग करनी है। आप उस स्टेटमेंट को समझेंगे, पॉइंट्स बना लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस ऐसे को कैसे लेके चलना है। आप अगर आपके पास 25 मिनट्स भी होंगे तो आप उस ऐसे को इजीली डील कर लेंगे। दूसरे नंबर पे पॉइंट आ जाता है कोहियन एंड कोहरेंस। कोहियन एंड कोहरेंस में वही बातें आ जाती हैं कि आपका एक आइडिया दूसरे आइडिया के साथ लिंक्ड हो, डेवलपमेंट जो है ना वो बड़ी अच्छी हो। आपका एक पूरा क्या कहते हैं उसको, जो पैराग्राफ है वो एक आइडिया पे डेवलप कर रहा होता है ना, एक सेंट्रल आइडिया होता है, लेकिन उसमें आप कुछ ऐसी कोलोकेशंस, कुछ ऐसे लिंकर्स यूज करते हैं। लाइक एग्जाम्पल देने से पहले आप कहते हैं फॉर इंस्टेंस, एज एन इलस्ट्रेशन, ये आपकी कोहिन एंड कोहरेंस है जिसमें आपके आइडियाज बिल्कुल डेवलप हैं और आप ओपनिंग फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका लिंक बनता है एक से दूसरी चीज का। तीसरे नंबर पे वो बात करता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जिसका मैंने पहले बता चुका हूँ कि उसके लिए आपके पास एक्सप्रेशंस होने चाहिए, आपके पास रेंज होनी चाहिए वर्ड्स की भी और उसकी एक्सप्रेशंस की भी। जो लास्ट चीज है वो जिसको वो कहता है लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज को आप दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ सकते हैं कि आपने वोकेबलरी कैसे इस्तेमाल करनी है, और वोकेबलरी का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वोकेबलरी आपने अनकॉमन यूज़ करनी है। और लास्टली मैं अपना एक और एक एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा। जो लास्ट टेस्ट इसमें मैंने 7 बैंड्स अचीव किए राइटिंग में, वो जब मैं अपना टास्क 1 शुरू करने लगा था स्टार्ट में, तो वो मैंने बाय मिस्टेक जो है वो टास्क 1 जो है टास्क 2 की शीट पे कर दिया। तो राउंड अबाउट मैंने कोई 20 to 25 मिनट्स ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका था। और फिर मैंने एग्जामिनर से, इंस्ट्रक्टर से पूछा कि इज इट पॉसिबल कि मेरा ये जो टास्क 1 है टास्क 2 वाली शीट पे चेक हो जाए। उसने कहा जी ये चेक नहीं होगा, आपको ये ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जब मैंने 20-25 मिनट पहले गुजार चुका था, फिर मुझे वो ट्रांसफ़र करने में 5 से 10 मिनट लग गए। तो ऑलमोस्ट मेरे पास समझ लें कि 20 मिनट्स मेरे पास बाकी रह गए। और अब उस 20 मिनट में मैंने ये ऐसे लिखा जिस पे मुझे 7 बैंड्स जो है वो मार्क किए उन्होंने। वो इसी वजह से था, उसी चीज़ों की वजह से था जो मैंने इस वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैंने इन इन चीज़ों पे फोकस किया। मेरे पास, मैं प्रॉपर एक लेआउट को फॉलो कर रहा था, मैंने इन 4 चीज़ों का ख्याल रखा जो मैं आपको बता रहा हूँ। और लास्टली पंचुएशन, जिसका मैं आपको बताना बार बार कह रहा हूँ कि उसके बगैर आपके 7 बैंड्स आना बहुत मुश्किल है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई आइट्स एक्सपीरियंस स्पेशली इन राइटिंग। आई होप यू गाइज विल गेट एक्सेस फ्रॉम दिस वीडियो एंड ऑल्सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच।